स्वागत है आपका एज ए फैंटेसी में। आज अपन बात करेंगे बांग्लादेश वर्सेज अफगानिस्तान के बीच होने वाले मैच की। जी हाँ दोस्तों, एशिया कप का चौथा मैच जो कि बहुत ही अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों इस मैच के लिए कौन होगा हमारे मेगा गैंडले के लिए फ्रंट प्लेयर जानेंगे, साथ में लास्ट के जो मैच यहाँ पे उनका एनालिसिस करेंगे, हेड टू हेड रिकॉर्ड्स देखेंगे और साथ में आपको मिलेगी मेगा गैंडले की दो बेहतरीन टीमें। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब चलते हैं अपन, मैच खेला जाएगा कपाती स्टेडियम लाहौर के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही अच्छा वेन्यू है, बॉलर्स और बैटर्स दोनों के लिए बहुत ही अच्छा वेन्यू रहने वाला है। सभी के लिए कुछ ना कुछ इस मैच में इक्वली सबको फेवर करेगा ये मैच, ठीक है। साथ में यहाँ पे जो स्कोरिंग पैटर्न है वो देख लेते हैं। जो टोटल 63 मैच हुए हैं उनमें से बैट फर्स्ट टीम ने 32 जीते हैं और बैट सेकेंड ने 30 और एक मैच यहाँ पे टाई हुआ है। एवरेज स्कोर यहाँ पे 252 रन का है। अब चलते हैं अपन जो लास्ट के तीन ओडीआई और तीन T20 रिसेंट में जो यहाँ पे हुए हैं उनका एनालिसिस करते हैं। न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के बीच यहाँ पर मैच हुआ था, जिस रिसेंट में जो मैच हुई थी वो सीरीज उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। 163 बनाए थे न्यूजीलैंड ने, पाकिस्तान आई चेज करने और ऑल आउट हो गई थी 169 पर। आप देख रहे हैं यहाँ पे पेसर्स को 10 विकेट और स्पिनर को 4 विकेट। इसके बाद पाकिस्तान 192 रन बनाई थी और चेज करने न्यूजीलैंड 154 पे 7 विकेट आउट होकर चेज नहीं कर पाए। पेसर यहाँ पे भी आपको 8 विकेट नजर आएंगे और स्पिनर 3 विकेट। पाकिस्तान वर्सेज न्यूजीलैंड के बीच पहल सीरीज का अंतिम मैच था, उसमें 182 बनाए थे पाकिस्तान ने और न्यूजीलैंड को 94 पे ऑल आउट कर दिया था। पेसर्स को मिले थे 15 और स्पिनर को मिले थे 4 विकेट। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे पेसर्स को बहुत ज्यादा एडवांटेज आपको देखते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब चलते हैं लास्ट के जो तीन ओडीआई यहाँ पे खेले गए हैं उनको देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया आती है 210 रन बनाती है, पाकिस्तान चेज कर जाती है, पेसर्स 10 विकेट, स्पिनर 1 विकेट। ऑस्ट्रेलिया 348 बनाती है, यानी बैटिंग फेवर भी है बॉलिंग फेवर भी, दोनों को एडवांटेज जो अच्छा करेगा उस हिसाब से मैच होगा, ठीक है। 348 बनाए 8 विकेट पे, चेज करने आए पाकिस्तान 349 रन बना दिए थे 4 विकेट के नुकसान में, पेसर्स को 9 विकेट, स्पिनर को 3 विकेट। ऑस्ट्रेलिया आई 317 बनाया, पाकिस्तान 225 पे ऑल आउट, 4 पेसर और 12 स्पिनर। एकमात्र ये मैच है जिसमें स्पिनर को ज्यादा विकेट मिल रहे हैं, इसके अलावा यहाँ पे पेसर्स और बैटिंग फ्रेंडली ये वैल्यू रहने वाला है। तो चलते हैं अपन बांग्लादेश की पॉसिबल प्लेइंग 11। जी हाँ दोस्तों, इस मैच के लिए कैसे रहने वाली है बांग्लादेश की पॉसिबल प्लेइंग 11 की तरफ नजर डालते हैं। तिनाजीद हसीन, नवीदुल शेख ओपनिंग करेंगे, वन डाउन आएंगे नजमुल हुसैन सेंटो, फोर्थ डाउन टोनी हेडवाय, साकिब अल हसन, मुस्फिकर रहीम, मेहंदी हसन मिराज, मेहंदी हसन, तास्किन अहमद, शरफुल इस्लाम और मुस्ताफिजुर रहमान आपको खेलते हुए नजर आएंगे। अब देख लेते हैं इनके रिकॉर्ड को, 51-9, 68-51-5 और पिछले मैच में श्रीलंका के अगेंस्ट ढकी पे आउट हो गया था। अच्छा बैट्समैन है दोस्तों, लेकिन ये तो इसके स्कोर है, ये ए टीम के स्कोर है, अभी तक नेशनल टीम से इसने प्रदर्शन नहीं किया है, तो अपन देखेंगे लेंगे नहीं लेंगे। अब चलते हैं एनसेक की तरफ, 38-18-47 नॉट आउट, 22-0-16 आपको नजर आएंगे। नजमुल हुसैन सेंटो 4 रन 14 रन 11-1-12 बहुत ही आउट ऑफ फॉर्म चल रहा था, लेकिन पिछले मैच में बहुत ही अच्छी इनिंग खेली थी। टी हेडवॉय 14 रन नॉट आउट, 0-19-44 नॉट आउट, 24-20 हर मैच में रन बना रहा है, अच्छा प्लेयर रहने वाला, ठीक है। साकिब अल हसन 17 रन 1 विकेट, 19 रन 1 विकेट, 17 रन 1 विकेट, 2 रन 1 विकेट, 13 रन 1 विकेट, 5 रन, हर मैच में विकेट निकालने वाला है दोस्तों साकिब अल हसन, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है अपने लिए साकिब अल हसन भी, ठीक है। मुस्फिकर रहीम 69-1-45-36-61-13। मेहंदी हसन मिराज 8 रन 1 विकेट 1 विकेट 25 रन 2 विकेट 37 रन 1 विकेट, पिछले मैच में विकेट नहीं मिला था और 5 रन होना, लेकिन इस मैच के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। मेहंदी हसन 12 रन 2 विकेट 36 रन 0 1 विकेट 31 रन 1 विकेट, 11 रन 0 और 6 रन 1 विकेट। तास्किन अहमद 3 विकेट 2 विकेट 0-1-1 और लास्ट मैच में भी 1 विकेट लिया था। शरफुल इस्लाम 0-2-2-1-1 और 1 विकेट लिया था। मुस्ताफिजुर रहमान 2 विकेट 1 विकेट 2 विकेट 0-4 और लास्ट मैच में 0 विकेट लिया था। अब चलते हैं अपन अफगानिस्तान की जो पॉसिबल प्लेइंग 11 रहने वाली है उसकी तरफ।
ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे आपको रहमानुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरा, वन डाउन रहमसा, उसके बाद हजतुल्ला सदाई, मोहम्मद नावी, गुलबदीन नायक, करीम जन्नत, राशिद खान, मुजीबुर रहमान, फैजल फारूकी और नूर अहमद आपको खेलते हुए नजर आएंगे। गुरबाज 0, 19, 18, 151 और 5, 151 की पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत ही खतरनाक पारी खेल के आ रहा है, ठीक है। ज्यादा 8, 22, 0, 80, 0, अच्छा प्लेयर है, टेक्निकल बैट्समैन है। रहमसा 9, 8, 2, 0, 0, एकदम से आउट ऑफ फॉर्म आपको नजर आ रहा है। एस सदाई 2, 22, 0, 15, 13, ये भी आउट ऑफ फॉर्म ही है, दोनों प्लेयर आपको आउट ऑफ फॉर्म दिखेंगे यहाँ पे। नबी 1 विकेट, 4 रन, 1 विकेट, 7 रन, 2 विकेट, 29 रन, 2 विकेट, 3 रन, 0 विकेट, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है नबी, लगातार विकेट निकालता है। गुलबदीन नायक 32 रन, 1 विकेट, 5 रन, 0, 2 विकेट, 20 रन, 1 विकेट, 0 रन, 2 विकेट, इंपॉर्टेंट ये भी रहेगा। करीम जन्नत 48 रन, 2 विकेट, 16, 0, 12, 0, 20 और 24, 0। राशिद खान बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला दोस्तों, 1 विकेट, 3 विकेट, 2 विकेट, 0, 16 रन, 1 विकेट, आज भी 2 विकेट पक्के मानो आप। मुजीबुर रहमान 1, 0, 3, 1, लास्ट मैच में तो रन भी बना गया था 64 पाकिस्तान के अगेंस्ट और 1 विकेट निकाला था। सामने लेफ्ट हैंडर बहुत ज्यादा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है मुजीबुर रहमान। फैजल फारूकी 0, 0, 1, 3 और 1। नूर अहमद 1 विकेट, 1 विकेट, 2 विकेट, 2 विकेट, 3 विकेट, लगातार विकेट निकाल रहा है, इस मैच में देखते हैं कितना परफॉर्मेंस करेगा। अब अपन देख लेते हैं लास्ट के जो दो हेड टू हेड ओडीआई इनके बीच हुए हैं तो उसमें इसमें कौन सा प्लेयर परफॉर्मेंस करता है, लास्ट 3 ओडीआई अपन देखते हैं। ये मैच हुआ था 5 जुलाई 2023 को, बांग्लादेश ने 169 बनाए थे और अफगानिस्तान ने 83 पर 2 विकेट, यानी कि डकवर्थ लुईस लगा था इस मैच में। और उससे पहले 8 जुलाई को मैच हुआ था उसमें 331 बनाए थे अफगानिस्तान ने, जिसको कि बांग्लादेश चेज नहीं कर पाई थी, ऑल आउट हो गई थी। यहाँ पे आपको प्रदर्शन करते हुए नजर आएंगे इब्राहिम जादरा, रहमानुल्लाह गुरबाज, फैजल फारूकी, राशिद खान, मुजीबुर रहमान। अब यहाँ देखो, यहाँ भी आपको गुरबाज दिखेंगे, जादरान दिखेंगे, फैजल फारूकी दिखेंगे, राशिद खान दिखेंगे और मुस्ताफिजुर रहमान दिखेंगे। यहाँ पे फैजल फारूकी, यहाँ पर भी आपको, यानी कि तीनों मैचों में फैजल फारूकी बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस कर रहा है तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है दोस्तों अपने लिए। इसके अलावा राशिद खान वन ऑफ द बेस्ट बॉलर है, हर मैच में चलता है, इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा जब भी इनका मैच होता है तो बांग्लादेश की तरफ से साकिब अल हसन आपको नजर आएगा, इस मैच में भी साकिब अल हसन, यहाँ पर भी साकिब अल हसन नजर आएगा, यहाँ भी 39 रन बनाए थे साकिब अल हसन। इसके अलावा टोनी हिदॉय यहाँ पर भी नजर आएगा और यहाँ पर भी नजर आएगा। ताशकिन अहमद दो जगह आपको नजर आने वाले, यानी कि ये प्लेयर जब भी ये दोनों टीम आमने सामने होती है तो परफॉर्मेंस करते हैं। इसके अलावा सरफिल इस्लाम अच्छा बॉलर है, इसके अलावा मुस्तफिजुर रहमान भी अच्छी बॉलिंग करता है, मुस्फिकर रहीम भी आपको यहाँ पे नजर आएगा। तो देख लेना हमारे लिए यहाँ से फैजल फारूकी, जो कि हर मैच में विकेट निकाल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। राशिद खान और मुजीबुर रहमान भी, ठीक है। इसके अलावा जादान गुरबाज हर मैच में इनके अगेंस्ट प्रदर्शन करते हैं। इसके अलावा हजतुल्ला सदाई भी आपको एक मैच में परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। अब चलते हैं अपन जो कि इस मैच के लिए अपने लिए ट्रंप प्लेयर रहने वाले। जी हाँ दोस्तों, इन प्लेयर्स का सिलेक्शन परसेंटेज बहुत डाउन है लेकिन कैपेबल प्लेयर है दोस्तों। हजतुल्ला सदाई टीम का कप्तान है तो बहुत ही, कोई भी टीम कप्तान बनाती है तो बहुत सोच समझ कर बड़े टूर्नामेंट में कप्तान बनाती है, तो अच्छा प्लेयर है। यहां से आपको रहमसा और हजतुल्ला सदाई दोनों का सिलेक्शन परसेंटेज 10 या 15% ही दिखेगा लेकिन इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं दोस्तों। यहाँ का पिच बैटिंग बॉलिंग दोनों को सूट करता है तो इन दोनों में से एक प्लेयर तो आपको ड्रीम टीम का मेंबर बनता हुआ नजर आए। इसके अलावा करीम जन्नत अच्छी बॉलिंग बैटिंग दोनों करता है तो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा सरफुल इस्लाम और मेहंदी हसन मिराज बांग्लादेश की तरफ से आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले, बहुत ही बढ़िया गेंदबाज है, लेफ्ट आर्मर गेंदबाज है, अच्छी पेस के साथ बॉलिंग करता है तो इंपोर्टेंट रहने वाला है। इसके अलावा मेहंदी हसन मिराज जो कि अच्छा प्रदर्शन करता है अफगानिस्तान के अगेंस्ट तो इंपोर्टेंट रहने वाला। अब चलते हैं अपन मेगा ग्रैंड लीग की जो दो बेहतरीन टीमें मैंने आपके लिए बनाई उनकी तरफ। यहां मैंने गुरबाज को लिया है, यहाँ पे मैंने मुस्फिकर रहीम को लिया है, यहाँ से हजतुल्ला सदाई, इब्राहिम जादरान और टी हेदोय को मैंने टीम में लिया है। और इनके जो प्लेयर्स हैं जो ओपनिंग में हैं वो नए प्लेयर हैं तो, और ये काफी
एक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप है, तो इसके अगेंस्ट शायद ही वो चल पाएंगे। मैंने इस हिसाब से टीम बनाई, यहाँ पे गुलबदन नबी, करीम जन्नत को मैंने लिया है, यहाँ पर साकिब अल हसन, मेहंदी हसन मिराज, इनको टीम में रखा है। कप्तान मैंने किया है फैज़ल हक फारूकी, आपने देखा होगा हेड टू हेड बहुत ही अच्छा प्रदर्शन है फैज़ल हक फारूकी का, ठीक है। और ये पिच भी इनको सूट करेगी, तो अच्छी गेंदबाजी करने वाले फैज़ल हक फारूकी पाकिस्तान के अगेंस्ट भी विकेट निकाल के आ रहे हैं, ध्यान रखना दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले फैज़ल हक फारूकी। इसके अलावा मुजीबुर रहमान टॉप ऑर्डर में, इनके चार बैट्समैन लेफ्टी है, तो आपने देखा था उधर तीक्ष्णा ने बहुत अच्छी गेंदबाजी की थी, तो रहमान भी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। इसके अलावा राशिद खान को आप सब जानते हैं, हर जगह पे विकेट निकालने वाला बंदा है, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। यहाँ पे मैंने गुरबाज की जगह मुस्फिकर रहीम को ट्राई किया है, और हरदोई की जगह नजीमुल हुसैन सेंटो को मैंने ट्राई किया है, ठीक है। यहाँ पे मोहम्मद नबी, करीम जन्नत को मैंने लिया है, गुलबुद्दीन नायर को यहाँ से ड्रॉप किया है। इसके अलावा राशिद खान, मुजीबुर रहमान, फैज़ल हक फारूकी को मैंने लिया है, और तास्किन अहमद और सरफुल इस्लाम को मैंने लिया है। वाइस कैप्टन साकिब अल हसन और कैप्टन किया है मैंने इब्राहिम जादरान को, जो कि बहुत ही अच्छी बैटिंग करता है और लगातार रन बनाने वाला बैट्समैन है। आप दोस्तों चेंज ये कर सकते हैं कि वाइस कैप्टन आप यहाँ पे फैज़ल हक फारूकी या राशिद खान को भी यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों ऑलराउंडर वाले सेशन से यहां पर आप करीम जन्नत की जगह मेहंदी हसन मिराज को भी ट्राई कर सकते हैं, जो कि काफी इंपोर्टेंट ऑलराउंडर है बांग्लादेश की तरफ से। तो दोस्तों वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और